जो कल जो 14 तारीख को यहाँ पर विचार संकीर्ण होगा, पूरे ऑल इंडिया लेवल से आरएसएस वाला आके वीटीयू में एक बड़ा एक विचार संकीर्ण किए, सेमिनार किए, उसमें जो है यहाँ के जो वीटीयू का जो लोकल जो है डायरेक्टर है बसराज गादगे और गुलबर्गा यूनिवर्सिटी का वीसी दयानंद अक्सर है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वीसी भट्ट सत्यनारायण, ये सब मिलके सेमिनार में शामिल हो गए। इन्होंने जो जो है ना देश का एक ये दिया, लोगों में फूट आने के लिए, हिंदू मुस्लिम में फूट लाने के लिए कोशिश की है, खुशी है बसराज गादगे। और ये कर्नाटक यूनिवर्सिटी, कर्नाटक स्टेट का यूनिवर्सिटी है, और गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो दयानंद अक्सर, ये दोनों के ऊपर एक्शन डिसिप्लिन एक्शन लेके उनको सस्पेंड करना चाहिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। Contact and visit school for more details. सत्रह सितंबर 1948 को निजामशाही भारत में शामिल विलीन हो गया, लेकिन उससे पहले का इतिहास ये है, 1946 में तेलंगाना की कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ के जमींदारी का जो जुल्म था उसके खिलाफ में बहुत बड़ा लड़ाई होता है, आर्म्ड स्ट्रगल होता है ये निजाम के आर्मी के खिलाफ में। उस समय में कई कम्युनिस्ट शहीद होते हैं, ये जो ये जंग के वजह से ऑलरेडी निजाम शाही बहुत कमजोर हो जाता है। कुछ ही दिन में उन्होंने खुद ही जो है विलीन होने वाला था, लेकिन दिल्ली में बैठे सरकार जो है, जबकि कांग्रेस सरकार ये विलीन का जो क्रेडिट कम्युनिस्टों को नहीं होना बोल के एक नाटक करके, एक जो है ना पुलिस एक्शन बोल के यहाँ पर करके निजाम शाही 17 सितंबर को उन्होंने सरेंडर होता है। ये कोई इमोशन कुछ है ही नहीं, इधर उन्हें खुद सरेंडर हो जाता है और इंडिया में मिल जाते हैं। उसी टाइम में तो कश्मीर का जो राजा था हरी सिंह, उन्होंने भी ऐसे ही विलन होता है, लेकिन कश्मीर राजा का जो सरेंडर है उसको आरएसएस वाले विलीन बोलते हैं, लेकिन यहाँ के निजाम शाही का जो है ना इन्होंने ये जो है विमोचन बोलते हैं, क्योंकि निजाम शाही मुस्लिम राज था, हरि सिंह हिंदू राजा था। ये आरएसएस का ये जो है चाल जो जब से चल रहा है आज भी जो है उन्होंने विमोचन बोलते, विमोचन नहीं है, ये सरेंडर है, ये विलीन है। इसलिए ये जो कल जो 14 तारीख को यहाँ पर विचार संकीर्ण हो गया, पूरे ऑल इंडिया लेवल से आरएसएस वाले आके वीटीयू में एक बड़ा एक विचार संकीर्ण किए, सेमिनार किए, उसमें जो है यहाँ के जो वीटीयू का जो लोकल जो है डायरेक्टर है बसराज गादगे और गुलबर्गा यूनिवर्सिटी का वीसी दयानंद अक्सर है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वीसी भट्ट सत्यनारायण, ये सब मिलके सेमिनार में शामिल हो गए। इन्होंने जो है ना देश का एक ये दिया, लोगों में फूट आने के लिए, हिंदू मुस्लिम में फूट लाने के लिए कोशिश की है, खुशी है बसराज गादगे। और ये कर्नाटक का यूनिवर्सिटी, कर्नाटक स्टेट का यूनिवर्सिटी है, और गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो दयानंद अक्सर, वो दोनों के ऊपर एक्शन डिसिप्लिन एक्शन लेके उनको सस्पेंड करना चाहिए। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो भट्टू सत्यनारायण ऑलरेडी वहाँ पर ये आरएसएस फैलाने के लिए बहुत काम कर रहा है, और सिटी में भी उन्हें आजकल आ रहा है, कई इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, वहाँ पर जो है ये जो जहरीली तो कोमवाद का जहर उन्होंने फैला रहे हैं, और कल भी वही किया उन्होंने, उनके खिलाफ में पुलिस केस होना चाहिए, उसको अरेस्ट होना चाहिए। ये हमारा बोलते हुए हम माननीय सिद्धरामैया हमारे चीफ मिनिस्टर हम आजाद जी दिए हैं, इंकलाब जिंदाबाद। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hadraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.